हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चेक बुक रेंज कैसे टैली में सेटअप करते हैं वो सिखाऊंगा। चेक बुक रेंज क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूं। जो भी हम चेक बैंक से लेते हैं तो उसमें जो चेक नंबर लिखा रहता है वो नंबरिंग पूरा 50 बुक का चेक बुक रहता है या 100 बुक का रहता है, जो भी मतलब रहता है, तो उसमें उसका चेक नंबर लिखा रहता है। वो डायरेक्ट अगर हम टेली में बैंक के लेजर में अगर उसको सेटअप कर देते हैं तो जिस टाइम पे भी हम लोग पेमेंट एंट्री करेंगे बैंक में से, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक उसका नंबरिंग आपको वहाँ पे शो करेगा वन बाय वन। जो भी जैसे इनवॉइस नंबरिंग में ऑटोमेटिक नंबरिंग आता है, वैसे उसमें भी ऑटोमेटिक नंबरिंग आपको वन बाय वन वहाँ पे शो करेगा कि कितने नंबर का चेक आपने इशू किया है। तो उस आप नंबर को आपको मैन्युअली सेट नरेशन वगैरह में टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इजी हो जाएगा कि आपको कोई भी चेक इशू करते हो तो उसमें पेमेंट करने के टाइम पे वो ऑटोमेटिक उसका नंबर आ जाएगा। तो उसके लिए आपको टेली के अंदर कैसे सेटअप करना है और क्या क्या चीज़ आपको ट्रांजेक्शन के टाइम पे ध्यान रखना है उसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट रूल क्या करेंगे, समझ लो मेरा एक बैंक को मैं अभी एक नया बैंक लेजर क्रिएट करता हूँ, कॉस्मोस बैंक, बैंक अकाउंट कॉस्मोस बैंक। यहाँ पे आपको सेट चेक बुक्स ऑप्शन है उसको यस करना होगा। समझ लो मेरा चेक नंबर है 2501 0 ये मेरा लास्ट नंबर है, मतलब 51 से 100 तक है। मैंने एंटर कर दिया, ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर ऑफ चेक्स आ गया 50। अगर समझ लो ये 25 नंबर्स कर रहा था तो मैं इसको यहाँ पे 2 0 75, तो ये मेरा 25 नंबर आ गया। बराबर उसका मैं बुक नंबर दे देता हूँ, बुक नंबर 1। ठीक है, अभी मैं एक पेमेंट एंट्री पास करता हूँ कॉस्मोस बैंक। अभी चेक सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक रेंज आ गया, जो मैंने रेंज सेट किया था वो रेंज यहाँ पे आ गया। अगर आपके पास दो बुक है तो आप दो रेंज सेट करोगे तो दोनों रेंज यहाँ पे आपको बुक वन बुक टू सब कुछ ये वो भी आपको शो करेगा। तो मैंने यहाँ पे बुक वन ले लिया तो इंस्ट्रूमेंट नंबर ऑटोमेटिक आ गया, जो कि मेरा चेक नंबर होता है 51 नंबर, क्योंकि फर्स्ट चेक जो इश्यू करूँगा तो ऑटोमेटिक 51 ही आना चाहिए। ठीक है, अभी सेकंड चेक में बनाता हूँ, समझ लो ये 52 नंबर का मेरा चेक रिजेक्ट मतलब कैंसिल हो गया है। तो इसको क्या करूँगा मैं यहाँ पे मैन्युअली 53 टाइप कर दूंगा, तो उसके बाद जो भी मेरा ट्रांजैक्शन होगा वो 54 पे जाएगा डायरेक्ट, आ गया 54। तो इस तरह से आपको पेमेंट एंट्री करने के टाइम पे एक चेक नंबर लेना बहुत इजी हो जाएगा, आप चेक नंबर भी अच्छी तरह से उसमें मेंटेन कर पाओगे। तो आप इसी तरह से चेक रेंज सेट कर सकते हो तो बहुत इजी रहेगा चेक रिकंसिलेशन करने के लिए। मैं आपको चेक रेंज भी दिखा देता हूँ बैंकिंग के अंदर चेक रजिस्टर में, ये मेरे सारे तीनों बैंक है, हमने जो भी कॉस्मोस बैंक में ट्रांजेक्शन किया तो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा बुक वन, उसमें सारे चेक नंबर यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा और पेमेंट क्या हुआ है सब कुछ आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा उसका। फिर यहाँ से आप उसको रिकंसिलेशन भी कर सकते हो, तो रिकंसिलेशन कैसे करना है वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन चेक नंबरिंग आपको प्रिंटिंग पेमेंट के टाइम पे कैसे सेट करना है वो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ जो टेली के रिलेटेड और जीएसटी के रिलेटेड मैं आगे भी बनाने वाला हूँ, और आप मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो जीएसटी में आपको बहुत काम में आ सकते हैं, तो आप उसको देखिए, अच्छी तरह से टेली को सीखिए और अच्छा फ्यूचर बनाइए। मेरी यही बस और भी अगर आपको कुछ करिए तो मेरे साथ कमेंट के थ्रू शेयर कीजिए, मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू।